मैट्रिक के परीक्षा में कड़ाई होता है ना, तो सारा बुर्बक लोग पास हो जाता है और तेज का लोग फेल हो जाता है। 15 साल लालू जी रहे, सारे मिल बंद हो गया, तो 15 साल चाचा जी रहे तो कौन चालू हो गया। ये विकास हो या ना हो, राजस्थान का मॉडल यहाँ पे लाना पड़ेगा, 5 साल में एक बार चेंज करना पड़ेगा। नेताओं के तरफ से बस उसको जीने के लायक इतना व्यवस्था किया जाता है जिसमें वो खुद समझे कि मेरा विकास हुआ है। बरौली के वीडियो को बरौली प्रमुख चलाता है, बरौली के सीओ को सीआई चलाता है, थाना को चौकीदार चलाता है और बिजली विभाग को दलाल चलाता है। ये देवापुर है और देवापुर का मुख्य बांध जहाँ पे टूटा है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक युवा मौजूद है जिनका नाम है मनमीत ओझा। उनसे बात करेंगे, उनका कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं, कैसे बांध टूटा और क्या उन्होंने देखा, क्या कहेंगे आप? जब पहली बार बांध टूटा था तो ये सब किसी को ज्ञात है कि यहाँ पर जिस तरह से बांध का मरम्मत कराया गया था माननीय DM साहब के द्वारा, टूटने की स्थिति में नहीं था। अगर 2 घंटा भी यहाँ बांध बच जाता तो उधर जो थी था, क्या बोलते हैं, सरापरा के उस साइड, उधर टूट सकता था। लेकिन क्या किया गया कि यहाँ पे जब कोरोना में किसी भी नेता का कमाई जब नहीं हो पा रहा था, उसको मतलब भरपाई करने के लिए यहाँ बोरा खिसका दिया गया। ये सब किसी को गया था, बांध टूट गया। मैं 19 सितंबर को यहाँ आया था और बांध की स्थिति भी देखा था, जिस तरह से यहाँ पे पानी नहीं था और जिस तरह से व्यवस्था था, इस बांध को बचाया जा सकता था। अभी भी 3.5 लाख क्यूसेक पानी बढ़ने से यहाँ पे कोई असर नहीं होता, लेकिन था यहाँ पे स्थिति ऐसी बनाई गई है कि ये इस उद्योग को शुरू कर दिया गया है जिससे नेताजी की कमाई होती रहेगी, चुनाव में खर्चा करेंगे, ये जग जाहिर है, हर कोई जानता है। बस यही ऐसी स्थिति है। आप कभी देवापुर में अगर 18 इंच पानी कम होता है, 18 इंच, तो हमारे यहाँ 1 इंच कम होता है। हम बगेजी पंचायत से आते हैं, बरौली प्रखंड के लगभग पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, नहर के किनारे जो जी, यहाँ पे 18 इंच पानी कम होता है तो वहाँ पे 1 इंच कम होता है। एक जोग्राफिकल आंकड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आप तो बांध यहाँ पर टूट गया, पानी जा रहा है, यहाँ 1 से 2 दिन पानी रुकेगा देवापुर में, सारा पानी हमारे तरफ जाएगा। और जहाँ मेरा पंचायत है उसकी 1 किलोमीटर दक्षिण साइड में नहर है और 1 किलोमीटर पूर्व साइड में नहर है, पानी सब जाके मेरे यहाँ लगता है। अगर ये आज पानी, यानी आपके मुताबिक जो है देवापुर के लोग इस बाढ़, जो बांध टूटा है, इससे कम प्रभावित होंगे, और आपके जो बगौची पंचायत है ना, बगैची पंचायत जो है वहाँ के लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये नेता जो है अपनी कमाई करने के लिए लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी भी, आप इतना लोग यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पर रास्ता साफ है तभी ना आ रहा है। आप इसके बाद चलिए मेरे यहाँ, आप जा सकते हैं क्या? नहीं, स्थिति ऐसी है कि सबको यहाँ पे आके देख रहा है, सब कोई बांध तक आ सकता है, इसलिए क्योंकि देवापुर के लोग इस पानी से प्रभावित नहीं होने जा रहे हैं। ये सारा पानी हम लोग के तरफ जाएगा। ये आज 3.5 लाख क्यूसेक पानी नहीं भी बड़ा होता, उसके बाद भी हमारे यहाँ हम लोग गेहूँ बोने की स्थिति में नहीं थे। और बरौली प्रखंड के BO के पास जा कर के बात कही गई तो वहाँ से ऐसा कहा जा रहा है कि जो फसल क्षति आप लोग का हुआ है उसका मुआवजा मिलने के लिए कोई उपाय नहीं है सरकार की तरफ से। यानी जो पिछली बार बाढ़ आया था उसका मुआवजा नहीं मिला? मुझसे ही क्या, कहीं और भी पता कीजिएगा। बरौली प्रखंड में जितने भी 6,000 रुपये का लिस्ट जमा हुआ था उसमें लगभग 65% पैसा बाकी है। मेरे बगेजी पंचायत का आंकड़ा है, 3800 डाटा जमा हुआ है, 2600 एंट्री हुआ है और 2281 पैसा मिला है सारे लोग। और हुआ ऐसा है कि कहीं कहीं एक घर में 2-3 लोग पैसा चला गया है और जहाँ जेन्युइन है वहाँ नहीं गया है। होता है ऐसा ही है कि जब परीक्षा में कड़ाई होता है ना तो सारा बुर्बक लोग पास हो जाता है और तेज का लोग फेल हो जाता है, वहीं हुआ है। जेन्युइन लोग का पैसा नहीं आया है, बाकी में दो गया। माने ये कह रहे हैं कि सब बुर्बकवा लोगों को यहाँ पैसा नहीं पहुँचा है, जो तेज का है उसके यहाँ 2-2, 3-3 बार पैसा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी BDC मुखिया वार्ड के शुभचिंतक हैं वहाँ पैसा चला गया है। और आपको भी ध्यान रखिएगा, कोई गरीब हमारे यहाँ की जोधा मौत है, हम जब से होश हुआ है ना तब से वैसे देख रहे हैं। वो गरीब आज नहीं हुए हैं, कल नहीं हुए हैं, परसों नहीं हुए हैं, वो गरीब 20 साल पहले से हैं, लेकिन उन पर काम नहीं होता है। काम किन के यहाँ होता है? जो उनके शुभचिंतक हैं। ऐसी स्थिति बनाई गई है। आप कभी बरौली प्रखंड परिसर में जाइएगा तो क्या लगता है कि जो नेता लोग हैं वो गरीब लोगों को क्यों नहीं कुछ देते हैं, उन पर क्यों नहीं काम करते हैं? आपको, आपके मुताबिक क्या लगता है? आप युवा हैं, समझ रहे हैं, सामने चुनाव है, घोषणा भी कर दी गई, चुनाव की डेट आ गई है, तो सामने जो है चुनाव है उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को भी कदम उठाना है, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे? इसके पीछे एक मुख्य कारण यही है कि यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं प्रखंड स्तर या जिला स्तर पर, इसमें से किसी को दम नहीं है जो ये बात कह दे कि इस बार टिकट इनको नहीं, इनको दिया जाए। होता क्या है कि सब कोई यहाँ पे अपने अपने काम में व्यस्त रहता है, कोई 8 करोड़ रुपया देता है, जीवन भर अपने यहाँ क्लिनिक चलाया है, टिकट लेके आता है, वो कागज़ के नज़र में और सरकार के नज़र में एक सीट है, हमारा नेता वो नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ होता क्या है, यही होता है, टिकट पैसा से लेकर के आ गए हैं, आप पे ऊपर थोप दिया गया है कि आपका MLA,
मेरे मेरे पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, आप इनको विधायक मानिए। आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र? बरौली विधानसभा क्षेत्र आता है। तो विधायक ऑलरेडी है वो, क्या नाम है उनका? नेमतुल्ला जी। अभी तक के सफर में 5 साल होने जा रहा है, कभी मुलाकात नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज उनके बारे में हम नोटिस किए हैं, एक बार बरौली हाई स्कूल में टूर्नामेंट हो रहा था और विधायक जी भाषण दे रहे थे, पीछे से उनके जो प्रखंड अध्यक्ष हैं बरौली के, उनके पार्टी के, वो कह रहे थे ताली बजाओ लोगों से। रतनसराय में जब उनका गाड़ी घेर लिया गया तो गोड़ पे गिर के लोग से माफी मांग रहे थे कि हमको छोड़ दिया जाए। तो इसीलिए ना गोड़ पे गिरना पड़ा था, ताकि वो क्षेत्र में काम नहीं किए थे, जनता समझ रही थी, जनता उन्हें उनका घेराव कर दी। नहीं, इस वजह से जनता को समझने के लिए यहाँ पे छोड़ा ही नहीं गया है। आप कभी बरौली प्रखंड परिसर चलिए, देखिए बरौली के वीडियो को बरौली प्रमुख चलाता है, बरौली के सीईओ को सीआई चलाता है, थाना को चौकीदार चलाता है और बिजली विभाग को दलाल चलाता है। हालांकि दलाल सभी जगह सेट कर सकते हैं। आप बाढ़ के दिन अगर बरौली ब्लॉक में आए होते, जब बतरदे चल रहा आया था, तब वहाँ पे देखिएगा होता क्या है। आज के दिन वहाँ पे फॉर्चुनर लगी रहती है, स्कॉर्पियो लगी रहती है, बोलेरो लगी रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बंडल में पकड़ के निवास का फॉर्म दिया जाता है, पैसा दिया जाता है और जो बन गया उसको ले लिया जाता है। लेकिन जिस दिन बाढ़ आया था ना, वहाँ पे झोंपड़ी टांग के कुछ गरीब लोग रहते थे, उनके पास कोई नहीं जा रहा था। अच्छा, आप पे स्विगी लग रही है, जितना मतलब कार है, हाई फाई कार, हाई फाई लोग आ जा रहे हैं ब्लॉक में, लेकिन जब पानी था कोई नहीं था। आप लोग भी तो स्थानीय हैं, आप लोग युवा हैं, क्यों नहीं विरोध करते हैं इस चीज़ का? देखिए इसका विरोध सरकार तक बात जाती, लोग समझते, एडमिनिस्ट्रेशन देखता, कार्रवाई होती। आप लोग विरोध करेंगे, सामने आएंगे, युवा हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा। देखिए हम विरोध करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। होता ऐसा है, मतलब होता है यहाँ पे ऐसा है कि पार्टी के द्वारा या जो यहाँ पे नेता हैं, चाहे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने यहाँ ऐसा व्यवस्था बना करके रख दिए हैं कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? अभी हम अकेले मान लीजिए इस क्रांति को शुरू करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ पब्लिक को इतना मतलब मूर्ख बनाया गया है, उसको क्या किया जाता है कि राशन कार्ड दिया जाएगा, इंदिरा आवास दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, उतना में गरीब परिवार समझेगा कि मेरा विकास हुआ है। लेकिन नेताओं के तरफ से बस उसको जीने के लायक इतना व्यवस्था किया जाता है जिसमें वो खुद समझे कि मेरा विकास हुआ है, उतना ही वो समझता है कि विकास हुआ है, उससे अधिक नहीं चाहिए। वो कभी नहीं सोचता है, वो वृद्धा पेंशन के लिए मुखिया जी के पास पैर भी करेगा, लेकिन कभी नहीं कहेगा कि मेरे बेटा का एडमिशन बढ़िया यूनिवर्सिटी में हो जाए, कि पढ़ लिख के अच्छा जॉब कर लेगा तो मुझे इंदिरा आवास भी दे सकता है, वृद्धा पेंशन भी दे सकता है, टीवी सीडी भी खरीद सकता है। उसको ये नहीं चाहिए, क्योंकि बुनियादी मुद्दों से उसका ध्यान भटका दिया गया है पहले से। सामने विधानसभा चुनाव है, किस तरह का नेता चुनना आप लोग पसंद करेंगे? क्या लगता है कि कौन हो सकता है आपका नेता जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे? जी जी, अभी आप कभी देहात में जाइएगा, चाहे गए होंगे तो देखिएगा, होता क्या है कि लोग सेट करके रखे हैं पहले से कि वोट कहाँ देना है। अभी कोई 1 किलो चीला मीठा दिया है तो उसका लोग नाम लेते हैं, कल आगे कोई 2 किलो देगा उसका नाम लेगा। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि 1 किलो या 2 किलो चिवड़ा देने का पैमाना वोट देना नहीं होता है। चिवड़ा मीठा देने का पैमाना वोट देना नहीं है। वोट देना कभी भी आप वोट दीजिए तो इस बात को तय कर लीजिए कि वो आपके लायक है कि नहीं। कल आप उसे फ़ोन कीजिएगा तो वो आपसे बात करेगा कि नहीं, आपसे मुलाकात करेगा कि नहीं। कल की घटना है, मेरे यहाँ एक आदमी आधार कार्ड सुधरवाने के लिए गया है बरौली ब्लॉक में, तो ऑपरेटर सब बोला है कि विधायक का साइन करा के लेके आओ। जो विधायक 5 साल में एक बार कभी पब्लिक के बीच में आया नहीं, जिसका काम है कि सरकार के स्कीम को पब्लिक के बीच में रिप्रेजेंट करना है, ये बताने के लिए सरकारी योजना कभी नहीं आया है, आधार कार्ड पर साइन करने के लिए मिलेगा, वो आदमी घूम रहा है। तो वोट देने का पैमाना 1 किलो चिवड़ा, 2 किलो चिवड़ा, 2 किलो चोकर नहीं है। इस बात को सब किसी को समझना चाहिए और इसी बीच में से किसी अपने लायक नेता को चुनना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि बुनियादी मुद्दों से हर किसी का ध्यान भटका दिया गया है। जो जहां है वहीं देगा, चाहे कितना हो कोई बौखला करके कुछ भी कर ले। यहां बरौली विधानसभा में टिकट दोनों आदमी को मिलने जा रहा है जो 1990 से 1985 से रामपरवेश चुनाव लड़ते हैं, 80 से 85 में टिकट नहीं मिला तो जेपी से लड़ गए, जनता पार्टी से। 90 में मदन किशोर उपाध्याय जी को टिकट मिला, रामपरवेश जी निर्दलीय लड़ गए। 95 में जब 90 में ध्रुवनाथ चौधरी जीत गए निर्दलीय, तो 95 में नेमतुल्ला जी जीते। यानी बरौली में कौन कौन कैंडिडेट जो है बेहतर लग रहे हैं आपको? नेमतुल्ला जी हैं या फिर पूर्व जो विधायक थे वो हैं, या किसी और को देखना चाहेंगे आप लोग? किस तरह का क्या अगर व्यक्तिगत? देखिए अभी कई लोग फील्ड में आ रहे हैं, एक डॉक्टर अभिषेक भी जो है वो दिख रहे हैं फील्ड में, बसपा से शाह आलम जी दिख रहे हैं, कई चेहरे जो हैं, MIM भी उतार रही है, कई पार्टियां यहां पे बरौली से चुनाव लड़ रही हैं, तो किस तरह की पार्टी, किसको आप लोग देखना चाहेंगे? व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे ये बात पूछ रहे हैं तो मैं तो निश्चित रूप से राम प्रवेश राय जी, माननीय विधायक जी और माननीय पूर्व विधायक जी और मंत्री जी, इन दोनों को छोड़ करके विजय प्रताप सिंह हैं जिसका आप नाम रहे थे, डॉक्टर अभिषेक रंजन हैं, इस टाइप के लोगों में से हम चुनेंगे सीधा तौर पर। मतलब ये लोग अगर रहते हैं तो हो सकता है कि विकास हो जाए आपके विधानसभा? देखिए विकास हो या ना हो, राजस्थान का मॉडल यहाँ पर लाना पड़ेगा, 5 साल में एक बार चेंज करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए भले वो कुछ काम करे ना करे। आप इस बात को समझिए कि जो 15 साल विधायक रहा है, 2.5 साल मंत्री रहा है,
आप बरौली विधानसभा में धार्मिक स्थल को है, अगर वहाँ पे पर्यटन का क्षेत्र बनाया गया होता है उससे रुपया का इनकम होता है। थावे मंदिर अपने जिले में पड़ता है, अगर उसके लिए भी यहाँ से काम कर दिया गया होता है, ईंट भी नहीं रखवाए हैं। नॉक्टर भवानी है हमारे यहाँ बेलसोण के पास में, इस तरह के कई धार्मिक स्थल हैं, अगर उसको पर्यटन का रूप दिया गया होता तो बाहर से लोग आते, रुपया दे के देखते, इनकम सोर्स ऑफ इनकम बनता। लेकिन जो मंत्री रहते हुए एक ट्रांसफर नहीं करवा सकता है, वो ऐसा काम कैसे करेगा? एक और हमारा सवाल ये है कि रोज़गार की बड़ी समस्या हो रही है, युवा आप हैं, कहीं ना कहीं रोज़गार ढूंढेंगे आप, मैं युवा हूँ, कई लोग हैं जो अब रोज़गार नहीं मिल रहा है, समस्याएं हो रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हर सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, केंद्र सरकार में भी कुछ नहीं कर रही, हालात जो है बुरा होते जा रहा है। कोरोना के बाद आपने देखा कि किस तरह से लोग वापस आए, लोगों की रोज़मर्रा की जो जिंदगियां जो है तबाह होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये समस्याएं सभी युवा के पास है, लेकिन कोई खुलकर इसे नहीं कहता है। होता यह है कि कहा जाता है कि लालू जी जब 15 साल, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसको देना चाहिए? आखिर रोज़गार आप तो दे नहीं सकते हैं, आप पॉलिटिकल है नहीं, पॉलिटिकल लोग ही करेंगे ना, उनके पास पावर है, उनके पास करने की क्षमता है, वो लोग फैक्ट्री लगा सकते हैं, बड़े उद्योगपति को बुला सकते हैं, कौन करेगा फिर ये? देखिए, सीधे तौर पे तो इसका जिम्मेवार जो बिहार का सरकार है वो है, लेकिन पब्लिक को ये नहीं समझ में आती है, जो आपसे बार बार इस बात को हम इंगित कर रहे हैं कि 15 साल लालू जी रहे, सारे मिल बंद हो गया, तो 15 साल चाचा जी रहे तो कौन चालू हो गया? अब आप कह रहे हैं कि हम चालू करवा देंगे, आप अब कह रहे तो हम कैसे विश्वास कर ले 15 साल में आपको? उसको तो लॉलीपॉप कहेंगे, सुना होगा कई लोग जो कह रहे हैं, पप्पू यादव भी हैं, वो भी चुनाव में आ रहे हैं, उन्हें भी देखा होगा। 15 साल में आपको प्रचुर वक्त नहीं मिला क्या कंपनी फैक्ट्री खोलने के लिए? पिछले विधानसभा चुनाव में हम बेरोजगार युवाओं की तरफ से एक मोर्चा भी खोले थे, 7 लाख बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन करके हम बिहार सरकार के पास चिट्ठी दिए थे कि आप हमसे वार्ता कीजिए कि बेरोजगारी भत्ता यूपी के तर्ज पर मिले। जब ये चीज़ हुआ, बिहार सरकार के सामने वार्ता हुआ दो बार, तो लालू जी और नीतीश जी दोनों गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को लागू कर लिया, जो आज 20 से 25 साल के युवाओं को 4 लाख बीएससी मिलता है। लेकिन इसको लेकर के आप, ये सब कोई, सब किसी के पास मजबूरी है, लेकिन कोई ये समझ रहा है कि लालू जी मिल बंद करवा दिए हैं, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता कि नीतीश जी उसको चालू नहीं कर पा, जब नीतीश जी चालू नहीं कर पाए, आज कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सीधे लॉलीपॉप है। भाजपा को भी या एनडीए गठबंधन को भी चाहिए कि वो चुनाव भले मिलकर लड़े, अगर चुनाव मिलकर लड़ता है तो इससे भाजपा का मतलब हानि है, अगर चुनाव मिलकर लड़ रहा है तो अपना सीएम का चेहरा बदल दे, क्योंकि उसके पास माने पर्याप्त मात्रा में सीएम का चेहरा है। क्या नाम बताएं? मनमीत कुमार ओझा। ये मनमीत कुमार ओझा जी थे, युवा है, कौन से गांव था आपका? पचरुखिया गांव के बगैची के हैं और ये पढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने बड़ा मुख्य जो सवाल है वो उठाया, इन्होंने कहा कि जो युवा लोग जो हैं बेरोजगार हैं उसके लिए भी सरकार जो है वो जिम्मेदार है। यहाँ जो जनता वोट देती है वो 2 किलो चिवड़ा और मीठा पे दे देती है, ऐसे अगर वोट देते हैं तो वो ठीक ढंग के जो नेता हैं उनको नहीं चुन पाते, इसलिए उन्हें ज़रूरत है कि वो सामने खुल कर आएँ और एक अच्छे नेता का चुनाव करें, तब हो सकता है कि बिहार की विकास हो सके। गोपालगंज से अयाज अहमद।